टू माई न्यू ब्लॉग। सो हम लोग आज जा रहे हैं विष्णु का सेंटर देखने, क्योंकि इसका बोर्ड के एग्जाम है और सेंटर्स का बहुत पास आया है। बट बहुत ट्रैफिक जाएंगे, ये भी पेपर देगी वहीं पे। पेपर तो मैंने ही देना है आखिर, बोर्ड इसका है, पेपर मैं दूंगी, यही तो होता है। ऐसी तो लॉजिक वर्क करता है ना। अच्छा, अगर ऐसे होता तो मजा ही आता। काम का जल्दी नहीं करता, अभी भी अटका हुआ है, पता नहीं क्या है यार इसका। दो मिनट में मम्मी क्या करा, पेट्रोल लेके आ रही हूँ। आग लगा दी। शेयर किया था ना कि हम लोगों के यहाँ पे मास्क वगैरह जो है वो बंद हो चुके हैं, मतलब बाहर पहनना इतना कंपलसरी नहीं है, वो फिर से कंपलसरी हो गया, सिर्फ कुछ दिन के लिए था वो। मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, जब तक वो अलाउड था कि बिना मास्क के जा सकते हैं, तब तक मैं सिर्फ 2 या 3 बार ही बाहर गई थी, और अब मेरे को रोज़ जाना होगा। मास्क के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए। सो मम्मी ने इधर पेट्रोल पम्प खोल रखा है, चाबी से खुलता है मम्मी, चाबी से उधर से खुलता है। So, ये पेट्रोल फुल हो गया, यानी तो पहले से ही था ना पेट्रोल फुल लगा हुआ है। देखो कितना बढ़िया लगा है, देखो। तो मैं मैचिंग हेलमेट लेके जा रही हूँ। अच्छे से खिसके साफ कर, अच्छे से बदतमीज इंसान, साफ कर। हाँ, बहुत अच्छे से, अच्छे से, अच्छे से ढंग से कर। बदतमीज, साफ कर अच्छे से, अच्छे से घिस के, थोड़ा घिसो शीशा, घिसो शीशा। ड्राइविंग कर लेनी है, मेरी सीट साफ करी गंदी। लाइसेंस दिखा अपना, लाइसेंस दिखा अपना। फाइनली हम लोग डेस्टिनेशन पे आ गए इतना लंबा घूमकर। तुम्हारा स्कूल कहाँ पे है यार? ये मिठाई वालों की दुकान के साथ क्यों स्कूल खोल रखा है? स्कूल कहाँ है? बोर्ड तो है। हम लोग पहुँच गए अमृता पब्लिक स्कूल में, जिसको ढूंढते ढूंढते हमारी ओवर आफत आ गई। पता है 3 मिनट का रास्ता था गूगल बेस को, 3 घंटे तो घुमाई नहीं, 3 घंटे ज़्यादा हो गया, मतलब घंटा हो गया यार घूमते घूमते में। ज़्यादा गर्मी लगी ना, अब हम लोग एक ब्रेक ले रहे हैं, आइसक्रीम ब्रेक छोटा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर से हम लोग चल रहे हैं। गूगल के भरोसे ना कभी नहीं जाना चाहिए, उसने ऐसे ऐसे रास्ते बताए थे ना जहाँ पे लोगों ने अपने घर बना दिए, तो मुश्किल से लोगों से पूछने के बाद हम लोगों को ये रास्ता मिला। ये लक्की था यार, इसको अच्छा फ्लेवर मिल गया, लेने तो हम यही वाले थे, बट ये एक बचा था, पर अच्छा नहीं है, टूटी फ्रूटी मुझे नहीं पसंद आया। चले हम, इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं ना, उतर उतर के पार करने पड़ते हैं। मैं सारे स्पीड ब्रेकर कौन बनाता है यार, ज़्यादा कीमती रोड है, रुक जाओ, उतर जाती हूँ मैं। ये अच्छी खासी एक्सरसाइज हो रही है, मेरी वर्कआउट हो गया। एक और स्पीड ब्रेकर, स्टार गोल्ड पब्लिक स्कूल, स्टार गोल्ड वालों ने स्कूल भी खोल लिया। ब्यूटी ऑफ द रोड, इरा मत देना यार, इतने पब्लिक स्कूल हैं यार यहाँ पे, पब्लिक स्कूल स्कूल होने के बाद भी पब्लिक रोड पे घूम रही है। स्कूल जाओ, चल मैं चलाऊँ, हैंड ओवर कर। स्कूटी चला रही है और मेरे को डर लग रहा है कि ये मुझे गिरा देगी। गिरे गिरे यार, ये सही से नहीं चलाती यार, डर लगता है। ट्रैफिक, सच्ची ऐसी रोड थी ना ये, यहाँ की मुझे रोड अच्छे लगने लगी, यहाँ की रोड मुझे अच्छी लगने लगी। एंड मेरी जबान थोड़ी स्लिप ऑफ टंग हो रही है। ओके, भूत बन गया यार, ले टेक इट यार। ऐसी जगह सेंटर है ना,
कि बस मुझे समझ में नहीं आ रहा, सेंटर देकर उन्होंने बदला निकाला है क्या बच्चों से? इतना अंदर जाके स्कूल था, बहुत ज़्यादा अंदर जाके, थोड़ा रोड पे बना लेते यार, इतना पब्लिक स्कूल बिल्कुल पब्लिक के बीच में बना रखे हैं और इतनी ख़राब रोड ना, ओ गॉड यार, हर जगह टूटी फूटी रोड थी, ऐसी जगह नहीं देखी थी मैंने। हाय मम्मी, हम आ गए। स्कूटी चला चला के हाथ कांप जाते हैं। तुझे जाना, तुझे छोड़ कर आना, फिर वापस आना, फिर तुझे लेने जाना, मेरी परेड होगी। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।